नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेज उपाध्याय ब्लॉग पर। तो देखिए मैं उठ चुका हूँ और जो दिन है आज का सोमवार का, और जो डेट है आज 7 तारीख। और ये देखिए पीएम जो कर रही है प्रेस। हेलो गुड मॉर्निंग। ये ना चाय की बड़ी फैन है, ये भी ब्लॉग देख रही थी तो उसमें चाय का जिक्र आ गया। तो मैं उसके मतलब नोटिस करता है कब बोल रहे की हाँ चाय चाय चाय, तो मैं देखता रहा था। इसने देखा तो बोलने लगी कि एक कप चाय ले आओ। मैंने कहा मैं बहुत ऐसा नोटिस कर रहा कि आपने चाय का नाम सुना, आपने चाय क्यों नहीं बोला लाने के लिए क्योंकि सुबह से नाली से चाय नहीं पी, अभी तक रेडी हो चुकी थी। तो मैंने कहा तुम इतना प्रेस करो, एक कप चाय तो लानी है। तो देखे मुझे चाय और रस वगैरह लेकर आ चुका हूँ। मुझे ना पहले से याद आदत है, मतलब शादी से पहले से ही मम्मी और मैं ना मतलब सुबह उठ के ना पहले चाय पीते थे दोनों ही, और तब से मुझे आ रहा था चाय की। तो मैंने कहा कोई नहीं, 2 मिनट का काम है, नीचे गया गरम हो ही रही थी, थोड़ी सी और गरम करी, छान के ऊपर लेकर आ गया। मैं कहता तुम प्रेस भी नहीं करने के, मैं लेकर आ गया हूँ इतने, और अब मैं नहाऊंगा। जो है बाइक धोनी आई गंदी हो रही है बहुत, परसों सैटरडे था तो मैं धो नहीं पाया बाइक को, क्योंकि जो है सामने से मम्मी पापा रहे थे तो उस चक्कर में नहीं धो पाया कुछ। यहाँ पर कीचड़ इतना हो रहा है तो बाइक और बंट गई थी, तो सोच रहा था आज धोऊँ या कल धोऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ वैसे तो धो ही दूँ अभी, तो ठीक है अब मैं जाता हूँ अपनी बुलेट को धोने के लिए, क्योंकि गंदी काफी हो चुकी है, वो साफ सुथरी रहेगी तो अच्छा लगेगा ना। तो प्रेस कंप्लीट हो चुकी है, टी शर्ट पे हो गई है और जींस पे। वैसे तो कपड़े बोल रही थी लेकिन मेरे को आज ये पहने थे, फिर हमने कल धोए थे परसों, तो बोल रही थी कि मैं कल प्रेस नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं आज कर दिया इसने। तो मैं जाता हूँ नीचे। नीचे मम्मी दान को बाहर खिला दिया विदू, ये देखो नीचे विदान क्या कर रहा, दिखाता हूँ क्या कर रहा है। क्या कर रहा बाबू, चक्कर आ रहे। खड़ा हो स्टैंड अप, स्टैंड अप। और नाश्ता कर लिया नहीं, देखो कहाँ जा रहा खेल रही ये, तू कहाँ पे जा रहे हो बाबू। तो किसके हैं गणेश जी, किसके हैं भाई। हाँ लाड कर ले गणेश जी के, माम तो कर दो सबको, माम करेगा अभी तो सबको, हाथ जोड़ के माम करो, चलो जल्दी से माम करो बाबू, माम अच्छा बच्चा बन गया अभी, चलो माम करो, पहले माम करो, हाथ जोड़ के ऐसे माम। फिर मैं टॉफिन दिलाने का गंदा, मैं तो जा रहा, मैं लाड़ नहीं करता, मैं तो उसका बाबू बन रहा, देख मैं तो उसका बाबू बन रहा, माम करो जल्दी से। ओए छत्रपति किसका बाबू ही हो। हाँ, नीचे गिर गया, चलो आप खिला लो, शैतानी कर रहा है सुबह सुबह।
ये मेरे पास किसी को नहीं आने देता। देखिए फिल्म कर रही है, पनीर की कटिंग है और ये देखे ना पेस्ट बना दिया, जो ये बना रही है टमाटर का पेस्ट, अब प्याज का पेस्ट बना दी है, जो बना रही है पनीर बना रही है आज, तो पनीर का जो पेस्ट बना दिया, टमाटर का पेस्ट बना दिया, प्याज का पेस्ट बनाएगी और पता नहीं किस किस चीज़ का पेस्ट बनाएगी। कोलगेट का पेस्ट तो नहीं बनाने के आप? यहाँ लहसुन ही डालूंगी मैं, क्योंकि ना घर पे सब लहसुन ही खाते, मैंने भी यहाँ का लहसुन खाना शुरू करा, वरना मैं लहसुन ही खाऊंगी। तो अब आपको जो है पनीर की रेसिपी दिखाऊंगी मैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने तरीके से पनीर बनाना सिखाऊंगी, जो मैं अपने तरीके से बनाता हूँ। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में डालूंगी मैं तेल, तेल डाल लिया है, तेल है जो हो चुका है। इसके अंदर डालूंगी मैं जीरा, आज मैं प्याज में नहीं छोक रही हूँ उसे, और जीरे में छोक रही हूँ। जीरा हो चुका है, इसके अंदर डालूंगी मैं हींग। देखिए हींग भी जो है चटक चुका है अच्छे से। अब डालूंगी मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट। तो देखिए टमाटर का पेस्ट है मैंने डाल दिया है, और इसे अब अच्छे से भूनूंगी और इसके अंदर डालूंगी फिर मैं कश्मीरी मिर्च होती है, जो देगी मिर्च बोलते हैं जिसे, देगी मिर्च। तो जो टमाटर और प्याज का पेस्ट है मैंने एक जगह ही कर लिया था, और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसे चला रही हूँ। ये देखिए ये अच्छे से भूनने लग रहा है। तो हमारा मसाला हो चुका है, अब इसके अंदर डालूंगी मैं लाल मिर्च, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं लाल मिर्च। मैं एक चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, मैं डेढ़ चम्मच जो है नमक डालूंगी इसके अंदर। अब इसे अच्छे से जो है चलाऊंगी और इसे भूनूंगी। तो देखिए मसाला जो मेरा हो चुका है और तली में से भी हटने लग गया है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मटर, ये मटर जो है मैंने पहले ही भिगो के रख रखी थी। देखिए वो ये मटर जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सारी। तो देखिए मटर है मैंने साइड डाल दी है, उसे इसमें भूनूंगी मैं अच्छे से। मैं अच्छी तरीके से बनाती हूँ मटर पनीर, और आप देखिए आप किस तरीके से बनाते हैं। तो मसाला है जो हो चुका है, मटर भुन चुके हैं, उसके अंदर डालूंगी पानी एक कटोरा, क्योंकि हमारा जो पनीर है ज़्यादा है, इसलिए आप अपने पनीर के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ग्रेवी है जो हमारी बन चुकी है, अब इसके अंदर डालूंगी मैं पनीर। भाई कितनी गर्मी है, हालत ख़राब हो चुकी थी बाइक पर भी, मतलब अगर रुक गए ना कहीं एक, मतलब एक मिनट के लिए रुक गए पसीने बहुत। और आज मम्मी ने जो बनाया आलू के पराठे, तो देखता हूँ खाते वक्त क्या हाल होगा मेरा गर्मी में। ये देखिए प्रियम लेकर आ चुके हैं मेरे लिए पराठे आलू के। ये बात नाश्ता आलू के पराठे लाया भाई मेरे लिए, तब ना आलू के पराठे का नाश्ता करते हैं भाई, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स सब जो है जा चुके हैं अपने काम पर, और देखिए मम्मी जी बैठी, मम्मी जी को पसंद आ गए, और आज मम्मी जी के हाथ के पराठे खाए हैं हमने आलू के। मम्मी जी क्योंकि बहुत टेस्टी बनाती है, मम्मी जी के हाथ की जितनी भी सब्जी है आलू के पराठे है बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसा क्या राज है मम्मी जी आपके हाथ का? कुछ नहीं, बस बहुत ही मतलब स्वाद ना अलग ही आता है। भाई देखिए बैठे यहाँ पे छोटे वाले भाई साहब, और फोन चला रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं। और भाई साहब तो आजकल बिजी चल रहे हैं बहुत ज्यादा, और मम्मी जी को देखिए। और अच्छा मैंने चले हैप्पी गए दिखे थे। हाँ तो देखिए मम्मी और मैं चाय लवर है, और तो हम दोनों जो है चाय की बातें कर रहे हैं फिलहाल बैठ के। चाय पी लो गिलास भर भर कर, शुगर बढ़ गया अब चाय से बिचर था शुगर बनाना ऐसी तो जाता है, जो जिसकी जो चीज फेवरेट होती है ना उस वो ये प्रॉब्लम कर जाती है, इसलिए मम्मी का देखे शुगर हो चुका है अब। ये देखिए उदाहरण को ये हनुमान जी बन रहा है, और इसका देखिए गणेशा कहाँ पे रखा है। विधान मम्मी को दे के आओ, जाके जाओ जल्दी दे के आओ जल्दी। ये बहुत वो तो बहुत तेज, बहुत ज्यादा दंगा करने लग गया, और किसी किसी के मार सकता है ये, ऐसा है ये। ये देख ज्यादा वो लेट गया। तो जो है मैं आ चुकी हूँ ऊपर,
और यहाँ पे आके क्या देखा मैंने, देखे भाई साहब ने क्या कर रखा है यहाँ पे, मेरा रील्स बना रहे थे यहाँ पे। तो अब मैं जो है अपनी सिलाई करूँगी। आज ना गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, हद से ज़्यादा, आप देख सकते हैं पसीने, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब जो है मैं अपने जो मेरे सूट है वो सिलूंगी मैं। कितने दिनों से सिलने सिल रही थी क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था, और लॉकडाउन आज जो है खुल चुका है। और अब जो है जिसमें जब प्लाजो सिलती, प्लाजो में जो है इलास्टिक चाहिए थी, तो इलास्टिक मैंने मंगा ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इलास्टिक। जो हम प्लाजो में इलास्टिक लगाते हैं वो 1.5 इंच की या 2 इंच की होनी चाहिए। देखिए इतनी छोटी ये मंगाई है मैंने, और बुरा हाल हो रहा है सच में आज तो गर्मी में। और ये साड़ी का जो पल्ला है ना, बार बार जो है सब से गिरता रहता है। तो अब मैं अपनी सिलाई करूँगी और साथ में जो मेरा सीरियल है वो देखूँगी। तो फ्रेंड देखिए, जो मैंने रुई का जम्प सूट है वो तैयार कर दिया है, ये देखिए। और अब तो जो है घर जाके पता चलेगा कि उसे पहनाने के बाद कि कैसे लगेगा। इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अच्छे से, ये देखिए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ी मेहनत तो नहीं लगी इसमें, बहुत ही सिंपल था बनाने में। और बस यहाँ पर जो है मैं सोच रही हूँ कुछ लगा दूँ इसकी डोरी पर, देखिए। और यहाँ पर जो है इसमें बटन लगाने रह रहे हैं, यहाँ पर बटन लगेगा, उसके बाद ये रेडी है। देखिए आगे से यहाँ से टाइट हो जाएगा ये डोरी, मैंने इसलिए लगाई है यहाँ पर ताकि फिर ये बाद में अगर अपनी फिटिंग का करना हो, अपनी फिटिंग का हो जाएगा यहाँ से टाइट करके। और अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा प्यारा सा जम्प सूट रुई के लिए जो बनाया है वो कैसा लगा। फ्रेंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।